गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द क्लास फिफ्थ चैप्टर फोर ईवीएस। ओके, चैप्टर का नेम क्या है? सक्सेस विद हार्ड वर्क। सक्सेस क्या होता है? सफलता। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, मेहनत से सफलता। ठीक है, इसका ये चैप्टर है। चैप्टर का मीनिंग क्या है? मेहनत से सफलता। लुक एट द गिवन पिक्चर, कहते हैं जो ये पिक्चर्स दे रखी हैं ना, इनको देखो। विच गेम डू दे डिपिस्ट, कहते हैं कौन सी गेम शो कर रहे हैं। नेम ऑफ द गेम आर ऑल्सो गिवन बिलो, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द गेम अंडर द पिक्चर। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, कहते हैं कि नेम्स जो हैं इनके नीचे दे रखे हैं, है ना, तो क्या करें, इनमें प्रॉपर नेम लिखो। देखो जैसे फर्स्ट नेम साइकिलिंग, इसमें से साइकिलिंग कौन सी है, साइकिलिंग कौन सी है, पुट करो साइकिलिंग पे। साइकिलिंग, ओके। नेक्स्ट इज क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ है, देखो ये है ना, क्रिकेट कहाँ है, ये है। ओके, बाकी जो है रह गए हैं वो आपने खुद से भरने हैं। ठीक है, बैडमिंटन, स्विमिंग, हॉकी कौन सी हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, सम गेम्स आर प्लेड इंडिविजुअली बाय अ प्लेयर बट इन द अदर गेम्स मोर देन वन प्लेयर फॉर्म अ टीम। कहते हैं कुछ गेम्स सिर्फ सिंगल पर्सन खेलता है, कुछ गेम्स टीम्स में खेली जाती हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सनस खेलते हैं उसको। लेट्स लिस्ट द गेम विच आर प्लेड इंडिविजुअली एंड विच आर प्लेड एज अ टीम। कहते हैं चलो हम यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, कौन सी टीम इंडिविजुअली खेली जाती है, सिंगल पर्सन खेलता है, कौन सी गेम्स एज अ टीम खेली जाती हैं, है ना। लॉन्ग जंप, उन्होंने एग्जांपल दे रखी है, लॉन्ग जंप वो तो सिंगल पर्सन जंप करेगा, है ना। हॉकी हम टीम में खेलते हैं। और कौन सी गेम है, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये हम सब कौन सी गेम्स हैं, इंडिविजुअली गेम्स है ये। और क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी कौन सी हैं जो एज अ टीम खेलते हैं हम, है ना। क्लियर। टेकिंग पार्ट इन गेम डेवलप अ नंबर ऑफ क्वालिटीज, कहते हैं जब हम गेम्स में पार्ट लेते हैं ना तो क्या होता है, हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज, कुछ अच्छे गुण आते हैं। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिंग डिफीट, अगर हम हार जाते हैं तो हम चिढ़ते हैं, कई लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, हाइपर हो जाते हैं। कहते हैं हमें वो आता है कि हाँ अगर हार गए तो कोई बात नहीं, हम फिर से खेल के फिर से जीतेंगे, है ना। हार्डवर्क, मेहनत, डेडिकेशन, जज्बा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वी लर्न कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा विद प्लेइंग एज अ टीम। कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन आता है, कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग बनती है, हमने किसके साथ कैसा बिहेव करना है ना। चिल्ड्रन स्कूल लेवल गेम्स आर फॉलोड बाय द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल गेम्स। कहते स्कूल लेवल पे हम सारे गेम्स खेल सकते हैं, ये ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट लेवल तक, नेशनल, इंटरनेशनल, सारी। ओलंपिक आर इंटरनेशनल लेवल गेम्स इन विच प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट। कहते ओलंपिक क्या होती है, जैसे कि ओलंपिक्स होते हैं, है ना, वो कौन सी गेम है, इंटरनेशनल गेम है, उसमें हर कंट्री के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी फोर ईयर, ये हर फोर ईयर के बाद होती हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम्स कितने ईयर के बाद होती हैं, आफ्टर फोर ईयर। टेकिंग पार्ट इन दिस गेम इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट, इन द सेम मैनर एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल गेम। कहते हैं इसमें पार्ट लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी हमारे लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है, प्राउड की बात होती है ना। सेम एज एशियन जो गेम्स होती है और कॉमनवेल्थ गेम, वो भी कौन सी है, इंटरनेशनल गेम ही है वो भी। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड नोट इट डाउन, पेस्ट द पिक्चर इन योर नोटबुक। कहते हैं जो भी आपका फेवरेट प्लेयर है उसकी इंफॉर्मेशन लो, मैगजीन में से लो, न्यूज़पेपर में से लो और उसकी पिक्चर पेस्ट करो। फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स स्पोर्ट्स मीट आर बींग ऑर्गेनाइज फ्रॉम डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दे शो देयर टैलेंट, दिस डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दैम, पैरा ओलंपिक इज़ वन सच एक्टिविटी।
अब देखो कुछ हमारे पास फिलअप्स हैं, वी कैन सॉल्व दीज. ओके, हाउ वी कैन सॉल्व? डैश आर डैश एंड क्रिकेट आर इंटरनेशनल लेवल गेम. कहते इन तीनों में से इंटरनेशनल लेवल गेम कौन सी है? हॉकी ही दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हॉकी. क्लियर. टेकिंग पार्ट इन डैश डेवलप क्वालिटीज़. कहते क्वालिटी हमारे अंदर कैसे आती है? जब हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं. वी लर्न डैश बाई प्लेइंग एज अ टीम. कोऑपरेशन भी हमने रीड किया था ना, कोऑपरेशन. क्लियर बेटा. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड एज अ टीम. कहते एज अ टीम हम इनमें से कौन सी गेम खेलते हैं? फुटबॉल, हैमर थ्रो, वेट लिफ्टिंग. ऑब्वियस है फुटबॉल. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स आर टेक्स प्लेस. अभी हमने रीड किया था कि ओलंपिक गेम्स कितने ईयर्स के बाद होती है? आफ्टर 4 ईयर. विच गेम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर डिफरेंटली एबल प्लेयर्स. कहते जो डिफरेंट डिफरेंट एबल्ड या किसी में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए गेम्स कौन सी होती हैं? पैरा ओलंपिक गेम्स. बाय प्लेइंग, कहते जब हम खेलते हैं गेम्स खेलते हैं उससे टाइम इज़ वेस्ट. वी रिमेन हेल्दी. वी बिकम्स बाय प्लेइंग वी रिमेन हेल्दी. ओके बेटा. अच्छा, व्हाई शुड वी टेक पार्ट इन गेम्स. कहते हमें गेम्स में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? कैसे क्यों करना चाहिए? टेकिंग पार्ट इन गेम्स टेकिंग पार्ट इन गेम्स डेवलप क्वालिटीज सच एज. हमने अभी भी रीड किया था कौन कौन सी क्वालिटी आती है हमारे अंदर. कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क एंड डेडिकेशन एक्सेट्रा. हमने और कुछ भी बहुत कुछ पढ़ा है, सेल्फ कोऑपरेशन है ना, और एक्सेप्टिंग ऑफ डिफीट है ना, बहुत सारी हमने पढ़ी हैं. कुछ हमने मेंशन कर दिया. नेम द स्कूल लेवल गेम्स. स्कूल लेवल गेम्स कौन कौन सी है? गेम्स जो हमने पढ़ी थी, ब्लॉक्स की गेम, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट है ना. गेम्स इन स्कूल, गेम्स इन स्कूल सेंटर, ब्लॉक सेंटर, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड द गेम एट द स्टेट लेवल एंड द गेम एट स्टेट लेवल. ओके बच्चे, नेक्स्ट है माइंड मैपिंग. कहते गेम्स प्लेड एज अ टीम. जो गेम्स हम टीम में प्ले करते हैं, टीम में खेलते हैं, उनके नेम लिखो. फर्स्ट इज क्रिकेट, फर्स्ट इज क्रिकेट, नेक्स्ट इज फुटबॉल, नेक्स्ट हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो. ओके बेटा, चलो नेक्स्ट रीड करते हैं हम. डू यू नो आर द इंटरनेशनल प्लेयर्स, मीट सम ऑफ देम. कहते चलो तुम कुछ इंटरनेशनल प्लेयर को जानते हो, कुछ
कुछ एक से हम मीटिंग करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ पीटी उषा की पिक्चर है। पीटी उषा इज एन इंटरनेशनल एथलीट एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू एंटर ओलंपिक है। तो जो पीटी उषा है इंडियन एथलीट्स है, इंटरनेशनल एथलीट्स है और द फर्स्ट वूमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट्स पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। इन 1984 शी वाज अबाउट टू गेट ब्रॉन्ज मेडल बट मिस्ड इट विद अ लिटिल डिफरेंस ऑफ 1/100 सेकेंड। कहते उसने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था लेकिन वो थोड़े से डिफरेंस से हार गए थे, है ना। नेक्स्ट इज कर्णम महेश्वरी इज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू विन मेडल इन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में उस क्या किया था उन्होंने, मेडल जीता था, किसने, कर्णम महेश्वरी ने, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में। ओके, नेक्स्ट हेयर आर सम फैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनदर इंटरनेशनल प्लेयर मिल्खा सिंह। अब मिल्खा सिंह की वो बात कर रहे हैं, नोन एज फ्लाइंग सिख, उनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना, आप सबने सुना होगा मिल्खा सिंह की, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, फ्लाइंग सिख, जो वो अपने बारे में बता रहे हैं, माई फादर सरदार संपूरन सिंह वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। जो संपूरन सिंह थे वो बहुत कहते सिंपल पर्सन थे, ही हैड अ लिटल नॉलेज ऑफ पंजाबी बट स्टिल ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एडुकेट हिज चिल्ड्रंस। कहते वो अच्छा लगे, उनको सिर्फ थोड़ी सी पंजाबी की नॉलेज थी लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहा। फार्मिंग वाज अवर एंड सेंट्रल ऑक्यूपेशन, सेंट्रल मतलब जो पूर्वजों से ही काम चलता आ रहा है, जो है ना उनके दादे परदादे जो काम करते थे वो क्या था, फार्मिंग था, खेती करना। वी वर 5 brothers and 3 sisters। कहते हम 5 भाई और 3 sister थे। अवर हाउस हैड 2 कच्चा रूम्स। कहते हमारे घर में 2 कच्चे रूम्स थे। इन 1 room लाइव स्टॉक, एक रूम था जो एनिमल्स के बुफेलोज के लिए था, एंड थिंग्स रिलेटिंग टू देम वर कैप्ट वाइल इन द अदर वी लिव्ड विद अवर बिलोंगिंग्स। आफ्टर पासिंग क्लास 6th फ्रॉम द विलेज स्कूल, After passing class 4th from the village school, I went to a city school from further study. There was another boy from my village. Both of us used to wake up at 4 o'clock in the morning. After getting ready for school, we would reach the school at the player times after walking a distance of 6, almost 14 to 15 kilometers. कहते वो स्कूल 14-15 किलोमीटर हम चल के जाते थे, स्कूल इतनी दूर था उनका स्कूल। एंड देन हैपन द मैसर्स ऑफ 1947 अवर हाउस एंड द और थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द विलेजेस वर डिस्ट्रॉय इन द रियोड्स। कहते एक ऐसा तूफान आया जिसमें हमारे जो घर हैं वो टूट गए। सम अवर फैमिलीज मेंबर एंड मैनी अदर विलेजेस वर किल्ड और वर मिसिंग। कहते हमारे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स कुछ तो मर गए, कुछ गुम हो गए, इधर उधर चले गए, बट सम हाउ आई रीच दिल्ली। कहते बस हम कुछ थे जो हम दिल्ली पहुँच गए। आई स्टार्टेड रनिंग इन 1952 आफ्टर माई रिक्रूटमेंटेशन इन द आर्मी। अवर टीचर्स सरदार गुरुदेव सिंह हु हिमसेल्फ वॉज एन एथलीट वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर। वैन आई टुक पार्ट इन नेशनल गेम्स हेल्ड एट पटियाला फर्स्ट टाइम आई सॉ वुमेन टेकिंग पार्ट इन द गेम। कहते फिर मैं 1952 में भागना शुरू किया जब मेरा था कि मैं आर्मी में जाऊँ, है ना। फिर उन्होंने क्या, जो उनके जो टीचर्स थे वो टीचर थे सरदार गुरुदेव सिंह जी, वो खुद भी एथलीट थे, है ना। जब उन्होंने फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया पटियाला में, तो उन्होंने देखा कि वुमेंस भी आती हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करने। आई इंक्रीज माई प्रैक्टिस डे बाई डे। कहते मैंने डे बाई डे अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा की। एंड आई वन मैनी रेसिस, एट लीस्ट आई वॉज चूज फ्रॉम द ओलंपिक विच वर टू बी हेल्ड इन द मेलबोर्न सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। कहते फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को ओलंपिक्स के लिए चुना, उस टाइम ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया में। माई परफॉर्मेंस इज दीज गेम्स वॉज नॉट सो गुड बट आई गोट द अपॉर्चुनिटी टू सी मैनी एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड गोट मोटिवेशन फ्रॉम दैम एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैम। कहते मेरी जो परफॉर्मेंस ये अच्छी नहीं थी उस टाइम पे ओलंपिक्स गेम में गए, लेकिन क्या हुआ कि उसको कि उनको बहुत सारे एथलीट्स
खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिला, उनको मोटिवेशन मिली उनसे, है ना। पीरियड ऑफ 1956 टू 1957 वाज अ पीरियड ऑफ वेरी हार्ड वर्क, कहते जो एक साल का जो टाइम था बहुत मेरे लिए हार्ड वर्क वाला। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई हैड फॉरगॉटन माई सेल्फ, कहते इस टाइम में अपने आप को ही भूल गया था। इन 1958 आई वन 400 मीटर रेस इन एशियन गेम्स हेल्ड इन टोक्यो द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, कहते टोक्यो में हुई थी रेस 400 मीटर की, उसमें उन्होंने वो जीते। एंड व्हेन आई वाज अनाउंस्ड दैट द मिल्खा सिंह हैज़ वन दिस रेस विद अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 46.6 सेकंड से द स्टेडियम एनहोल्ड विद लाउड अप्लॉसिस, कहते जो बहुत शोर शुरू हो गया वहाँ पे। द किंग ऑफ जापान ऑनर्ड मी विद अ मेडल, द तिरंगा वाज रेज्ड विद द ट्यून ऑफ अवर नेशनल एंथम जन गण मन, कहते जो जापान के जो किंग थे उन्होंने मेरे को मेडल दिया, तिरंगा दिया, नेशनल एंथम चला हमारा। आई रिमेंड द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, देन आई ऑल्सो वन 200 मीटर रेस इन दीज गेम्स। ऑन माई अराइवल बैक टू इंडिया प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पैटेड माई शोल्डर्स एंड सेड माई सन यू हैव मेड द कंट्री प्राउड, कहते फिर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, मेरे को प्रोत्साहन किया और उन्होंने बोला कि आपने अपनी कंट्री का नेम रोशन किया है। कीप अप योर हार्ड वर्क, यू हैव येट टू राइज टू द इंटरनेशनल लेवल, कहते आप और हार्ड वर्क करो और इंटरनेशनल गेम्स में जाओ। आफ्टर दैट आई वन 400 मीटर रेस इन कॉमनवेल्थ गेम्स ऑल्सो। ड्यूरिंग दीज गेम्स इन इंग्लैंड व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड माई कोच डॉक्टर हार्वर्ड काउंसल्ड मी फ्रॉम द होल नाइट एंड बूस्टेड माई मोरल्स, हिज लव एंड लीडरशिप गॉट मी सक्सेस हेयर टू आई वॉन। इन 1960 देयर वॉज एन इन्विटेशन फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम द इंडियन टीम, हेयर आई वॉन 200 मीटर रेस इन 20.7 सेकेंड्स, दिस वॉज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई वॉज ग्लैड टू टच दिस आफ्टर विनिंग, वेन आई वॉज रनिंग ग्राउंड Around the stadium, it was announced Milkha Singh, who is passing by you, has not run but flown. We honored him with the title Flying Sikh. After that, I become popular in the world as a Flying Sikh. फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, उसके बाद वो पाकिस्तान में गए, 200 मीटर रेस जीती, 400 मीटर रेस जीती, उसके बाद उनको क्या अनाउंस कर दिया गया, कहते वो भागता नहीं है वो उड़ता है, तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया, Flying Sikh. डियर चिल्ड्रन कॉन्टिन्यू एंड टायरलेस हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कहते लगातार मेहनत करनी, बिना थके मेहनत करनी, वो हमारी सक्सेस बनती है ना। नॉट ऑल इन द गेम्स बट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सिर्फ गेम्स में नहीं पूरी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट इज फिलअप्स करनी है हमने। मिल्खा सिंह वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ डैश, मिल्खा सिंह को हम क्या बुलाते थे, अभी अभी हमने रीड किया, क्या बुलाया हमने मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग जट, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस एंड टायरलेस डैश इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, मैच इट। पीटी उषा, देखो पीटी उषा क्या करते थे, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ये हो जाएगा फर्स्ट, ओके। करना मलेश्वरी कौन से, वेट लिफ्टर, है ना। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। मेजर ध्यानचंद मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कहते सक्सेस का सीक्रेट क्या है, अपने अभी पढ़ा क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड टायरलेस हार्ड वर्क, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन, ओ बेटा ये सब क्वेश्चन में से ही है, देखो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ
देखो बेटा यहाँ तक देखो, क्वेश्चन में से इजीली हो जाएगा है ना। इज कॉन्टिन्यूअस एंड टायरलेस हार्ड वर्क। ओके बच्चे, हो गया चैप्टर क्लियर? ओके बच्चा, चलो हमारा चैप्टर फिनिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।